question is a very nice question. Why I am nicing? क्योंकि आपका नाम सही नाइस क्योंकि देखो इसमें टू थिंग्स आर आस्क टू सॉल्व वन द कैपेसिटी ऑफ द टैंक एंड द अनदर इज कॉस्ट ऑफ कैनवस. कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालने के लिए आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और उसके ऊपर जो आपका कोन लगा हुआ मींस टोटल सरफेस इसको कहते हैं. यहाँ पे टोटल सरफेस का मतलब कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बाहर का पोर्शन आपका बाहर के पोर्शन पे आपका होगा वो मैं अभी बताऊंगा. इसलिए आई सेड दैट आपका इट इज वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन. आपका नाम दोनों चीजें एक साथ होंगी तो आपका नाम देखो दिस अ टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर. देखिए इधर सर फिगर पे मैंने कहा कि आपका स्पेशल कंसंट्रेशन आप करेगा. सर क्या बोले A B C D is a cylinder. Sir, diameter आपका नाम देखो this is 20. ये diameter इससे बड़ा आपका देखो this is 20 meter. ये देखिए आपका नाम. And the height is आपका नाम this height x is equal to 2.5 meter. You see the measurements. सेंटीमीटर में या मीटर में आपका नाम देखो सरमाउंटेड बाय ए कोन. ये सरमाउंटेड बाय ए कोन. ये सरमाउंटेड बाय ए कोन ई लिखा मैंने दिस इस ई एंड द हाइट. ये देखिए दिस हाइट इज एच इज इक्वल एच वन इज इक्वल 7.5 मीटर. Is that clear? Yes, sir. जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज. वैसे होना जरूर चाहिए था. अगर आप थोड़ा सा देखें ये फिगर से बिल्कुल पता लग जाता है आपके नाम देखो कि कोई अनाड़ी है या खिलाड़ी है. ये देखो अब आप कहेंगे आपने इसको क्यों किया. सर क्योंकि उसकी हाइट छोटी है और उसकी बड़ी है. Exactly. The height is आपका नाम more than this height. ये इसलिए मैंने इस फिगर को आपका नाम बिल्कुल छोटा कर दिया इसके हाइट को आपका नाम देखो दिस. फिगर में भी लगना चाहिए. फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाम याद रखिएगा. ये अब आज का जमाना है कि फ्री में मार्क्स जो मिल जा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए. आपने कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयार होना है. इसलिए जो पहले पुराने जमाने के हमारे जमाने के जो टीचर होते थे वो ये चीजें भी बहुत देखते थे कि ये आपका लॉजिक इसका कितना क्लियर है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, फंडामेंटल्स इसके कितने क्लियर है. तो इन चीजों को आप विशेष देखिए. Am I right? अब आप देखो यहाँ पे now you have to calculate your brain that आपका नाम capacity is okay. capacity में दोनों की आपकी क्या हो जाए pi r square h और plus one upon three pi r square h one लग जाएगा h is. लेकिन the another thing where I have to find out the cost. So for finding the cost I have to first find out the curved surface area of the whole thing. Means जो canvas आप लगाएंगे ये इस frame पे, ये frame पे आपका ऐसे आएगा इसके बाहर से. तो that's why now the curved surface area of cylinder plus curved surface area of आपका cone हो जाएगा याद रखिएगा. तो I must have to find out L. ये भी मुझे निकालना होगा. क्योंकि pi r L लगेगा तभी आपकी calculation. मैंने वही बोला ना इस सब क्लियर. Yes sir. इस portion पे देखो P portion पे आपका नाम surmounted आता है. Surmounted आपका बार बार कहा है मैंने सर माउंटेड का मतलब रेडियस ऑफ बोथ फिगर सेम. फिगर्स आर सेम. इससे ज्यादा मैं टेक्निकली कुछ नहीं कर सकता आपका ये याद रखेगा. सो नाउ डायमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर. इट्स आल्सो इन मीटर. इट इज आल्सो इन मीटर. इट इज आल्सो इन मीटर. ठीक है सर. तो नाउ गिवन में देखिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ना देखो डायमीटर ऑफ कोन और ये आपका डी इज इक्वल टू 20 मीटर. इट्स गिवन. इसीलिए यहां पे लिखा हुआ एम टी मीटर लिखा हुआ है ना. देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू नाउ रेडियस ऑफ कोन और ये आपका आर इज इक्वल टू डी बाई टू. बिल्कुल आपने सही आपका 10 मीटर. ये हो गया. तीसरी चीज द थर्ड वन विच आई हैव टू शो ना देखो दिस हाइट ऑफ सिलेंडर. Height of cylinder is denoted by h. That is about 2.5 meter. Or, aapka naam, this
सजा, ये हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन एच वन मैंने लिया है, दैट इज 7.5 मीटर, क्लियर। अब आपका देखो इधर से टू फाइंड आउट, फाइंड आउट में आपका देखो ना कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टेंट आपको निकालना है, आपका देखो ना इसका मतलब कैपेसिटी का मतलब आपका वॉल्यूम होता है, इज इट क्लियर। उसमें आपका देखो दूसरा आपका इसमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल, कीप इन माइंड, ये इसीलिए लिख रहा हूं डबल कोटेशन मार्क दे रहा हूं, आपका ना ये बाबा जी का ढुल्लू नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। कॉस्ट आपकी तभी निकलेगी जब आपका नाम सीएसए निकलेगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर और प्लस सीएसए ऑफ आपका कोण, दोनों मर्ज हो जाएंगे तब आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका नाम जो ये टेंट होगा ये आपका ये निकलेगा। तो पहले ये निकलेगी देन कॉस्ट निकलेगी, गॉट इट। नाउ टी में आपका नाम देखो दिस रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज, दिस इज कॉल्ड द वर्किंग लेआउट सेक्शन या कैलकुलेशन, यहां से आपकी स्टार्ट हो रही। जब आप इसका पूरी थीम जान लेंगे ना आपको फिर ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं कि घर जाके कोई दिक्कत ना हो ना। आप यहां कैपेसिटी ऑफ टेंट इस तो दिस द ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, जैसे मैंने यहां पे कहा कि बिकॉज दिस हाइट इज लेस देन दिस हाइट, इसमें आपका ये पोर्शन थोड़ा सा छोटा दिखना चाहिए। ऐसे ही जब आप व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस सरमाउंटेड, तो जो नीचे है पहले वो लिखा जाएगा और फिर वो लिखने को तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब मुझे मैंने वही बोला कि आई हैव टू कैलकुलेट दैट व्हिच वन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइंड, उस समय मैं ये सारी चीजों को ये देखूंगा, फिगर भी देखूंगा और ये भी देखूंगा, और वही बच्चे याद रखेगा वही कॉम्पिटिशन को जनरेट करते हैं जो डेप्थ में जाते हैं, हवा में जाने वाले नहीं होते। अगर ऐसा ही होता तो फिर जब हमारा एकेडमिक इतना अच्छा हो रहा है 95% 100% लेके बच्चा आ रहा है तो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों नहीं निकाल पा रहा, दिस इज द क्वेश्चन। वो इसीलिए कि एक रात में पढ़ करके कोई सुरमा नहीं बनता है, आप समझ रहे मेरी बात, तो ना दिस इसलिए गो थ्रू हमेशा जाएगा आपका ना, ना रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, कहते एक आपका है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती है, अगर बनती तो फिर बिगड़ती जल्दी है, ये रक्षा रखें। तो वॉल्यूम का मतलब पाई आर स्क्वायर एच और प्लस ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वन, ये देखिएगा यहाँ पे भी फर्क है, देखिए इधर ये देखो एच वन और एच टू फर्क है, ये आपका बेसिकली आपका सर माउंटेड है, ऊपर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको याद दिला दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वाई आई हैव रिटन दिस, क्योंकि देखो आपका पाई आर स्क्वायर आपका देखो कॉमन है, सर माउंटेड में रेडियस इज ऑलवेज सेम, तो देखो यार ये पाई आर स्क्वायर कॉमन आपका एच प्लस 1/3 ये आपका एच वन होता है, पाई इज 22/7 आर इज व्हाट 10 का स्क्वायर, दैट्स वेरी फाइन। Now, x कितना बढ़े 2.5 और 1/3 × 7.5 अगर जितना मुझे याद है देखिए अब आपका देखो 22/7 इंटू आपका देखो ये 100 हो गया ना 2.5 हो गया, इससे ये खलास हो जाएगा 2.5 तो 2.5 प्लस 2.5 आपका हो गया क्लियर। देख लीजिएगा सर मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, मेरे साथ बिल्कुल कैलकुलेशन, यहाँ मेरा एक दिमाग लग रहा है, आप लोगों के इतने दिमाग लगेंगे आप मेरा जबरदस्त अपना बराबर आ रही है जी, दोनों बराबर आ रहा है, क्या बराबर दोनों भी आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का मतलब कैपेसिटी इसे बोला करेंगे 22/7 × 100 और इनटू ये आपका 5.0 हो गया। अब यहां पे कटता नहीं है, व्हेन इट इज नॉट आपका ना ये जो वैल्यू आपका यहां पे इट मस्ट बी कम इन मल्टीपल टेबल ऑफ दिस 7 7 मींस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम पाई, पाई हैज अ वैल्यू 22/7 इसको 3.14 इनटू आपका 100 और इनटू 5 कर लीजिएगा तो आपका 314 × 5 जरा मुझे बताइएगा 1/70 ये हाँ हाँ जरा देखिएगा तो आंसर 1/70 क्या कहा 1570 0 0 व्हाट ये
मीटर क्यूब, हाँ ये भी तो बोले, इसीलिए मैं आपका इंतजार करता हूँ, आपका नाम देखो देसना ऑल द फिगर, फिगर का मतलब ये जो फिगर है आपका नाम देखो, ऑल फिगर सारे हैं आपका नाम, क्लियर हो गया। अब मुझे देखो यहाँ तक तो मेरी वॉल्यूम और कैपेसिटी हो गई। वैसे मैंने आपको बोला कि जब वॉल्यूम बोलता है तो तब मुझे थोड़ा सा लगता है, क्योंकि मैं इसको फिर क्या करूंगा कि अभी आपका देखो मैंने क्या कहा था, 1 cc इज इक्वल टू आपका क्या होता है, कितना था ये, कितना था जो अभी मैंने लिखा था, 1000 cc इज इक्वल, कितना लिखा था मैंने, 1000 cc इज इक्वल टू ये 1 लीटर ये लिखा था, तो 1 cc इज इक्वल टू 1/1000 लीटर ये था ना अभी अभी मैंने लिखा है। अगर आप जब अगर तो मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब को पहले आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, 1 meter इसी गुड़ आपका क्यों 100, तो मीटर क्यूब है तो 1 का मतलब आप करें 1.5 cm, बाकी आपका कुछ आपने जो करना है वो आप लफड़ा संभालो, 1 meter क्यूब इसी गुड़ आपका देखो, जब ये 100 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा देखो ना, आप समझ रहे हैं, आपका लगा लीजिएगा आपका 10 के साथ 1 के साथ कितने 60 लगे 60, उससे आप इसको आप पहले सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करिए और उसके बाद 1000 से आप कर दीजिए, कैपेसिटी निकल जानी चाहिए 12। अगर उसने आंसर इतना दिया तो मैं इसी के साथ जाऊंगा, ज्यादा लफड़ा पालने का नहीं। अब आपका देखो ये तो हो गई वॉल्यूम, आपका देखो कैपेसिटी और बैटरी का, ठीक है ना। अब आपका ना देखो उसके बाद अब आप पहले क्या करेंगे, आई हैव टू फाइंड आउट एल, तो ना क्योंकि मुझे कॉस्ट से एल इज इक्वल टू आपका ना देखो जैसे क्या है एच वन स्क्वायर प्लस आर, याद रखिएगा दिस एल इज फॉर स्लेंट हाइट एंड स्लेंट हाइट इज ऑलवेज आपका ना इन ए कोन, इट इज वाई L is equal to H1 का मतलब आपका कितना हो गया 7.5 का स्क्वायर और प्लस R 10 का स्क्वायर, am I right? L is equal to 7.5 का स्क्वायर करिएगा जरा कितना 56.25, that's very nice 56.25 और प्लस आपका 100 ना, L is equal to 156.25, L is equal to 156 का मतलब 12.5 और 12.5, beautiful, now this is that, ये आपका L is equal to आपका नाम क्लियर हो गया। अब आपका नाम देखो ये आपको चाहिए क्या, सीएसए कॉस्ट चाहिए आपको कॉस्ट, तो ना इसका मतलब आपका ये एक मिनट, ये टोटल एरिया ऑफ कैनवस चाहिए, कैनवस जो आप बाहर से इसके बाहर से जो आप कैनवस इस फ्रेम के बाहर से लगाएंगे वो आपका टोटल एरिया ऑफ कैनवस, इससे आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका क्या हो गया, am I right sir? तो आपका ये 2πRh और प्लस ये πRL, यहाँ देखिए ये यहाँ क्या हो जाएगा πR कॉमन, मैंने वही बोला कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए आप कॉमन ले लीजिएगा लीस्ट बना दीजिएगा, ये πR आपने कॉमन है आपका 2h प्लस L हो गया आपका पाई 3.14 इंटू आर आपका कितना है 10 आपका देखो ना 2 इंटू एच एच आपका क्या है 2.5 और प्लस L 12.5 आपका देखो इसे क्लियर, ये 31.4 रहेगा, दिस 10 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वन, आपका देखो ये 5.0 और प्लस 12.5 आपका देखो, तो 31.4 इनटू आपका 17.5, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये ये मीटर स्क्वायर में आ रहा, मीटर स्क्वायर तो कितना आ रहा है, जरा इसको मल्टीप्लाई करेगा प्लीज, 4×20 आ रहा है और 17×51 आ रहा है, जरा 17×51 और आपका 4×20 तो 550, देखिए तो जरा सर एक मिनट ये आ रहा है 550 549.50, हाँ तो ये आपका 550 मीटर स्क्वायर मैंने कर दिया आपका नाम, ठीक है ना। अब आपका देखो इसका टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस ये देखो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपका क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ कैनवस आपका देखो into rate per meter square आपका rate the canvas at rupees 100 तो आपका ना तो this 550 meter square into 100 per meter square, ये meter square से meter square cancel, तो आपका rupees Indian currency में आना चाहिए 55000 55000 आपका इसकी cost of canvas आएगी which was wrapped over this frame of cylinder and cone. Sure sir, please do it.